पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर बोल रहा है एक फंक्शन मैप कर रहा है, ये वाला सेट है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो ये वाले सेट पे मैप कर रहा है और जी ये वाले सेट से ये वाले सेट पे मैप कर रहा है। ठीक है बच्चों, और फंक्शन एफ की डेफिनेशन ऐसे दी हुई है और फंक्शन जी की डेफिनेशन ऐसे दी हुई है। ठीक, कह रहा है कि गॉफ निकालो, क्या निकालो, गॉफ निकालो, तो गॉफ आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, गॉफ निकालने से पहले आप ये चेक करो क्या गॉफ एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। ठीक है, गॉफ एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, बताओ बच्चों कैसे चेक करते थे हम गॉफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। देखो, सबसे पहले ये जो फंक्शन एफ दिया है इसकी मैपिंग कराओ आप। ठीक है, तो फंक्शन एफ की हम मैपिंग कर रहे हैं, सपोज ये सेट ए है, यहाँ 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं और ये सेट बी है, यहाँ है आपके पास 1, 2, 5। ठीक, वन किससे मैप कर रहा है, वन किससे मैप कर रहा है, टू से। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिएगा, वन किससे मैप कर रहा है, टू से। थ्री किससे मैप कर रहा है, फाइव से। और फोर किससे मैप कर रहा है, वन से। ठीक है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट शायद मेरे से छूट गया है। यस, वन थ्री फोर था, ये क्या था, 1, 3, 4 था एफ में। ठीक है, तो फोर किससे मैप कर रहा है, वन से। तो यहाँ पर फोर था और फोर मैप कर रहा है किससे, वन से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो वन मैप कर रहा है किससे, टू से। थ्री मैप कर रहा है किससे, फाइव से। और फोर मैप कर रहा है किससे, वन से। ठीक, अब ध्यान से चेक करिएगा कि ये जो मैपिंग हमने आपको यहाँ पर दिखाई है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर रेंज ऑफ एफ क्या है बताइए, रेंज ऑफ एफ, फंक्शन एफ की रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 5 यही वाला सेट, चेक करो ना, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का सेट क्या होगा, रेंज, तो ये रेंज ऑफ एफ है। ठीक, अब जरा आप को मैं यहाँ पर जी की मैं मैपिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे जी की डोमेन लिख रहा हूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन जी। ठीक है, तो जी की डोमेन बताइए, डोमेन क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, यानी कि 1, 2, 5। ठीक, अब गॉफ तभी निकाला जा सकता था, याद है रूल, याद है आपको गॉफ निकालने का, क्या कि अगर रेंज ऑफ बाद वाला, बाद में क्या लिखा है, एफ, यानी कि रेंज ऑफ एफ क्या हो, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक, तो जी की ये डोमेन है और एफ की ये रेंज है, और जो रेंज है वो जी की डोमेन का सबसेट ही तो है, बिकॉज ये दोनों सेट कैसे सेम, और कोई भी सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई क्या, कि रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ व्हाट, डोमेन ऑफ जी। तो अब हम गॉफ निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आइए जरा गॉफ निकालते हैं। तो अगर आप गॉफ निकालेंगे, ठीक, तो ये जो गॉफ होगा स्टूडेंट्स, इसकी इनपुट क्या क्या दे सकते हो आप बताओ, इसकी इनपुट आप दोगे कहाँ से, जो F की डोमेन होगी, और F की डोमेन क्या है, 1, 3, 4। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स हैं, यानी कि सबसे पहले गॉफ ऑफ वन निकालोगे आप। गॉफ ऑफ वन का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ वन, बात समझे ना, ये O को हटाओगे तो यहाँ एक ब्रैकेट लगाओगे, जी ऑफ एफ ऑफ वन। अब एफ ऑफ वन कितना है, एफ ऑफ वन कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ वन की जगह पूरा हमने नीचे क्या रखा, 2, तो जी ऑफ टू कितना है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, जी ऑफ टू कितना है, 3। जी फंक्शन में इनपुट 2 देने पर आउटपुट क्या आ रहा है, 3। ठीक, तो यहाँ पर आ गया 3। ठीक, इसका मतलब आपका आ गया गॉफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से आप निकालेंगे क्या, गॉफ ऑफ, अब एफ की डोमेन में दूसरा एलिमेंट क्या है, 3, तो गॉफ ऑफ 3 निकालोगे, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ 3 निकालोगे, और f ऑफ 3 कितना है स्टूडेंट्स, 5 है, यानी कि g ऑफ 5 निकालोगे, और g ऑफ 5 कितना है, 1 है। ठीक, यानी कि नेक्स्ट आया आपका क्या, गॉफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इसी तरीके से आप निकालोगे अब क्या, गॉफ ऑफ 4। ठीक है, गॉफ ऑफ 4 अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 4, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास g ऑफ व्हाट, f ऑफ 4 कितना था, 1 था, 4 किससे मैप कर रहा है, 1 से, यहाँ 1, और g ऑफ 1 कितना है स्टूडेंट्स, g ऑफ 1 3 है, जी ऑफ 1 3 है, यानी कि गॉफ ऑफ 4 कितना है, 3 है, यानी कि ये जो गॉफ वाला फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये जो गॉफ वाला फंक्शन है, इसको हम अगर सेट के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसके इनपुट्स यानी कि डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1, 3, 4, तो 1, 3 और 4। ठीक, अब 1 के साथ आउटपुट कितना आ रहा था, 3, तो 1, 3, और दूसरा हो जाएगा 3 पे 1 आ रहा था, 3, 1, और तीसरा एलिमेंट आएगा 4, 3। ठीक है, तो ये हो गई स्टूडेंट क्या, ये गॉफ हमने बना लिया। ठीक, कर लीजिए।